वेलकम गाइस दोस्तों, आप देख रहे हो अपना एक ईयर करंट अपडेट चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक न्यू अपडेट लेके आया हूँ। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे जो JKSSB की तरफ से बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कोई लाइब्रेरी की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की, जूनियर लाइब्रेरियन की, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, फिर उसके बाद कैटलॉगर की, और इसी प्रकार की कोई भी जो लाइब्रेरी से रिलेटेड पोस्ट है। तो दोस्तों हम उनके सिलेबस को जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली दोस्तों मैं इनके सिलेबस की वीडियो जो है, इनके लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और रोज़ जो है हम मेरे लेक्चर जो है लाइब्रेरी से रिलेटेड जो सिलेबस है, चाहे वो आपका सिलेबस, तो दोस्तों चाहे वो आपका सिलेबस JKSSB के लाइब्रेरियन पोस्ट का हो, जूनियर लाइब्रेरियन का हो, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का हो, कैटलॉगर का हो, तो उनका जो सिलेबस है उनमें जो मेन सिलेबस रहने वाला है, जैसे हम सिलेबस को भी आज डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट है उनमें जो सिलेबस रहने वाला है, वो तो उनकी सिलेबस के जो लेक्चर है वो हम आपको मैं कल से ही मीन्स कि आज से ही उसकी नेक्स्ट मीन्स कि जे वाली वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो उसकी आपकी आ जाएगी सिलेबस के रिगार्डिंग। जो है उनका जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी की टाइप्स क्या हैं, अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्कस करेंगे, और अकॉर्डिंगली उनका जो नेक्स्ट सिलेबस बनता जाएगा मैं रोज़ उसके लेक्चर की जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है रोज़ 2 की 3 वीडियो जो है आती रहेंगी, और जल्दी से जल्दी मीन्स कि 2 मंथ के अंदर ही उनका सिलेबस को हम डिस्कस कर देंगे, कम्प्लीट कर देंगे। और तो दोस्तों जैसे हम अगर इनके सिलेबस को डिस्कस करें, तो दोस्तों जैसे कि हम डिस्कस करें इसमें जो मार्क्स रहने वाले हैं 120 मार्क्स का इनका एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स जो है दिए जाएंगे फर्स्ट यूनिट के, जिसमें टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, उनके फीचर, लाइब्रेरी से जुड़े हुए 5 लॉ हो गए, इनकी ट्रांसलेशन, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, नेशनल इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन क्या है, जो बहुत सारी हैं, नेशनल इंटरकलेशन एजेंसी जो है, इंफॉर्मेशन सेंटर हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का सेकंड यूनिट होगा जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, कॉल नंबर, क्लास नंबर क्या होता है, बुक नंबर, आइसोलेट क्लासिफिकेशन, ISBD, ISBN नंबर, ISSN नंबर, DDC, UDC, CC, फिर उसके बाद नोटेशन क्या होती है, लाइब्रेरी के कैटलॉग हो गया, फिर कैनन्स हो गए, क्लासिफिकेशन होगी, फिर इसके बाद सेकंड जो नेक्स्ट यूनिट जो है थर्ड वाला, उसमें रहेगा आपका 20 मार्क्स का प्रिंसिपल ऑफ बुक सिलेक्शन, सिलेक्शन टूल, प्रिंट और नॉन प्रिंट मटेरियल अकॉर्डिंगली, इनकी सीरियल नंबर, जर्नल, कैटलॉग, एक्सेशन नंबर, रजिस्टर के क्या हैं डिफरेंस, बुक ट्रांसैक्शन सिस्टम, स्टॉक वेरिफिकेशन, बुक रीडिंग प्रोसेस अकॉर्डिंगली, ये 20 मार्क्स का रहेगा। ऐसे फोर्थ यूनिट जो है 20 मार्क्स का होगा जिसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेज की टाइप्स, इंपॉर्टेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के जो सोर्सेज हैं, फिर उसके बाद डिक्शनरी क्या होती है, जियोग्राफिकल बायोग्राफिकल सोर्सेज, इंडेक्सिंग और अब्स्ट्रैक्टिंग सोर्सेज रहेंगे, टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफीज क्या होती हैं, बिब्लियोग्राफी सोर्सेज क्या हैं, और 20 मार्क्स का आपका यूनिट 5th रहेगा जिसमें टाइप ऑफ रेफरेंस सर्वे, रेडी रेफरेंस सर्वे, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस लाइब्रेरियन, यूजर एजुकेशन, CAS, SDI, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा, इंफॉर्मेशन सीकिंग पैटर्न रहेगा, और जो लास्ट यूनिट है 6th यूनिट वो 20 मार्क्स का रहेगा, स्टडी ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर, लाइब्रेरी ऑफ ऑटोमेशन नीड और पर्पज कंप्यूटर इसके जूनियर, स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे CDS, IES, IS, लाइब्रेरी नेटवर्किंग नीड और पर्पज, OPAC और वेब OPAC, ये सारे जो है इसमें टॉपिक रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज का अपडेट मेरा ज़्यादा जरूरी यही था कि मैं आपको बता दूं कि रोज़ मेरे जो है 2-3 जो है लेक्चर आया करेंगे लाइब्रेरी से जुड़े हुए कोई भी जो सिलेबस है, जैसे आपका लाइब्रेरियन की पोस्ट है, फिर उसके बाद आपकी जूनियर लाइब्रेरियन की है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, कैटलॉगर की है, तो कोई भी जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग जो रहने वाला है उनके टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसके टॉपिक को मैं आपको करवाया करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो नियर और डियर में, और जो पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दो। तो दोस्तों यही था नया अपडेट, थैंक यू गाइज़।